एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद पीलीभीत के ब्लॉक मरौरी में स्थित मरौरी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर है। लगभग 1500 की आबादी व 400 वोटरों द्वारा कमला देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 100 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में लगभग 244 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगाए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 95 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 10 सोलर लाइट व 75 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान के द्वारा 8 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 38 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवासों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, आंगनवाड़ी केंद्र, बारातघर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान प्रति रमेश चंद, ब्लॉक मरौरी, जनपद पीलीभीत। मैंने अपने कार्यकाल में 3 नाली, खड़ंजा, 3 सीसी रोड, 75 सौर ऊर्जा की लाइटें और 10 सौर ऊर्जा लगाई हैं। और कुछ मेरी अभी मांगे बाकी हैं जो कि मेरे घर में, मेरे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, सामुदायिक भवन है, बरात घर है, नल की भी मांग है और इंदिरा आवासों भी नहीं गांव में मिल पा रहे हैं और कुछ नलों की आवश्यकता भी है। और हमारा मानदेय, जिसमें हमारा मानदेय में 3500 रुपये में पेट्रोल खर्चा ही पूरा नहीं निकल रहा है, सुबह से शाम तक इसका उसका सब काम धाम देखना, तो हम लोगों का मानदेय भी कम से कम 15,000 रुपये महीना होना चाहिए।